Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel. तो guys, आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने. सारा घर का जो सामान है ना खत्म हो गया है. रमज़ान है और इस बार रमज़ान की ग्रोसरी भी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज रमज़ान की ग्रोसरी हो रही है. इतने रोज़ों के बाद, इतने रोज़े तो मैंने बस घर के सामानों से ही गुजार दिए, क्योंकि हम लोग दो ही थे. तो आज सोचे चीज़ और जो है ना ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें जो भी है सब कुछ लेके आ जाऊँगी. तो चलो लेट्स गो. तो गाइज, एक मज़े की चीज़ देखी आज मैंने. इतने टाइम बाद में इस एरिया में आई थी, तो यहाँ पे ना एक फोक स्टाइल आर्ट वर्क किया हुआ था, पूरी पेंटिंग्स फ्लाईओवर के नीचे. और ये पूरे बांग्लादेश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है. इन्होंने बोला कि सारे जो भी फ्लाईओवर्स होंगे ना उनके नीचे ये आर्ट कर देंगे. तो जो भी फॉरेनर्स आएंगे ना मेरी तरह, तो हम लोग देखेंगे बांग्लादेशी कल्चर क्या होता है. ये जैसे फिश है, ये ऑल है, ड्रम्स है, तो ये सारे ना फोक आर्ट में आते हैं. तो बहुत बहुत खूबसूरत लगा मुझे. तो ये देखो, अभी जो है ना इधर फोटोग्राफी भी कोई कर सकता है उतर के. तो अभी जो है ना मैं आई हूँ पुलिस स्टेशन. मेरा वीज़ा का कुछ काम था, तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. फिर जब वीज़ा का काम हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी भरनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है भाई मैं हूँ सादिया. तो ऐसे करके डन हो गया सारा काम. और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पिलर्स में भी काम हो रहा था. एक ट्रॉली ले लेते हैं आर्यन को ना, इसमें बैठा लेंगे. आर्यन को था, आर्यन देखो. पी 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 पी. शॉपिंग करोगे? शॉपिंग चलो चलो. नो 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 नो, चलो चलो चलो. ये तो चाहिए खरीदे. जब से माँ और अब्बा गए हैं ना, तब से घर की सारी जिम्मेदारियां हम सब मिलके बस निभा रहे हैं बच्चे. तो अभी जो है ना घर के लिए बड़े बड़े अमाउंट की चीज़ें लेनी थी. अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा लहसुन कौन सी लूँ, कौन सी वाली अच्छी है जो लूँ. कभी कभी क्या होता है कि देख के लेना पड़ता है ना. तो अभी जो है ना हम लोग लिस्ट तो नहीं लेके आए, लेकिन मैंने उनको बोला जो जो चीज़ें मुझे लगेगा ये कुकिंग के लिए चाहिए, ये इफ्तारी के लिए चाहिए, वो मैं लेती जाऊँगी. तो आर्यन को मैंने ट्रॉली में क्यूट क्यूट तरीके से आगे बिठा दिया, क्योंकि बहुत आसानी हो गई. मुझे पता नहीं था इधर बच्चे बैठ सकते, मैंने कभी किसी को देखा था, तो इसलिए आर्यन को भी ऐसे बिठा दिया. अभी चलो एक साथ ही ग्रोसरी करते हैं और देखते हैं क्या क्या लेती हूँ मैं आज. तो मैंने कुछ मशरूम्स सोचा है कि कुछ पकाऊंगी, तो इसलिए मशरूम्स ले लिया. मशरूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं. मेरे बाबा जो है ना, उनको पाकिस्तानी बाबा, उनको काफ़ी पसंद है मशरूम्स. तो इतने पसंद है कि बारिशों के टाइम जा जाके मशरूम्स कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं. फिर अम्मी पकाती थी घर पर मशरूम्स. और अभी जो है ना आलू अच्छे खासे ले लिए, एक लाल आलू होते एक ये आलू होते, तो ये वाले ले लिए. और फ्रूट्स यार हम लोग खाते ही नहीं, आदत ही नहीं फ्रूट्स खाने की. और बांग्लादेश में काफ़ी फ्रूट्स जो है ना खट्टे खट्टे होते हैं, तो मुझे खट्टे नहीं मीठे फ्रूट्स काफ़ी पसंद है. तो लेकिन फिलहाल मैंने ऑरेंज ले लिया, जस्ट खट्टे में खट्टा ऑरेंज. और उसके बाद जो है ना आर्यन को फिशेस दिखा रहे थे, तो आर्यन फिश भी बोलता है, मछली भी बोलता है, उर्दू और बंगला इंग्लिश सब लैंग्वेजेस आर्यन जो है ना वो बात करता रहता है. तो अभी जो है मैं कुछ चीज़ वगैरह ले रही हूँ. कभी कुछ इफ्तारी में यूज़ होगा, या सहरी में यूज़ होगा, या ऐसे ही चीज़ नूडल्स के साथ काफ़ी चलते रहते हैं, तो इसलिए स्लाइस चीज़ मैंने ले लिए. और उसके बाद कुछ गरम मसाले लेने थे. अभी सोच रही थी कुछ कुकीज़ वगैरह लूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कुकीज़ से थोड़ा हाथ हटाओ, मतलब इतने कुकीज़ ना लूँ, इतना हेल्दी नहीं है इतना मीठा खाना. और अभी जो है ना कुछ क्रीम वगैरह ले ली थी खाने में पकाने के लिए. एक डिश देखी थी जिसमें क्रीम जाती है. और ये कलर्स की दुनिया देखो, ये सारे कलर्स खाने के कलर्स है यार, होली वाले कलर्स नहीं, खाने के कलर्स. ये सारे कलर्स जो है ना, मतलब कौन से फूड में जाते हैं, शायद कुकीज़ वगैरह केक्स वगैरह में जाते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने बिरयानी एसेंस देखी. आप लोग मुझे बताना कभी आपने बिरयानी एसेंस देखी है यार. तो बांग्लादेश तरक्की कर गया है, बांग्लादेश में बिरयानी एसेंस, तिहारी एसेंस, ओ माई गॉड, कभी ट्राई करेंगे. तो मैंने भी चलते चलते दो कलर उठा दिए, एक लाल एक ऑरेंज. और यहाँ पे कुछ सॉसेस मिल रहे थे. तो गाइस यहाँ पे कुछ सॉसेस मिल रहे थे, और ये सॉसेस देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया. ग्रोसरी के टाइम यहाँ पे चॉकलेट सिरप मिल रहा है, और फिर ना स्ट्रॉबेरी सिरप, फ्रूट सॉस, ब्राउन कलर की चॉकलेट सॉस तो देखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक न्यू चीज़ देखी थी ना, वो थी वाइट चॉकलेट सॉस. तो ये वाली चीज़ें कौन से मतलब चीज़ में यूज़ होती है, आई डोंट नो, मतलब शायद बेकिंग में यूज़ होते होंगे. तो ये चॉकलेट सिरप था. तो अभी जो है ना मुझे इन सारी चीज़ों से हाथ हटा के जो मुझे मेन चीज़ चाहिए थी ना, वो था केचप. केचप लेना था, केचप ख़त्म हो गया यार. और भाई चलते चलते जो चीज़ें देखूँ, ऑयस्टर सॉस जो है ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ. ये फ्राइड राइस में यूज़ होते हैं. और आर्यन को मैंने ये चॉकलेट उठा के दे दी, लो पकड़ो फिलहाल कुछ देर के लिए, चुप हो जाओ, क्योंकि वो मस्तियाँ कर रहा था. और गाइज़ ये जो है ना आइस ब्रेकर, ये मुझे काफ़ी
काफ़ी पसंद है, ये इतना टेस्टी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का दिल कच्चा होता है, ख़राब लगता है, तो आप ना ये टेस्ट कर सकते हो। और ये नूडल्स के एरिया है, उधर सारे नूडल्स थे, तो यहाँ से कुछ मैगी उठा लिए। नूडल्स जो है ना ऐसा क्विक एक खाना है, जब आप ना कुछ दिल नहीं करे ना पकाने का, एक नूडल्स पका के स्लाइस चीज़ डाल के खा सकते हो। यहाँ पर मैंने मशरूम का एक कैन ले लिया है और उसके बाद मैंने पुलाव राइस ले लिए, तो सोच रही हूँ कुछ डिश बनाऊँ तो उसमें यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर शाही मावा, ये पाकिस्तानी चीज़ें हैं, शाही डेलेक्स, तो ये वाली चीज़ें मुझे दिख गई। ये इमोन ने बोला रखो रखो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वही नहीं खाती, फिर दूसरे देख रहे हो। तो ये डब्बे के बाहर से ही खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने चिकपी पाउडर जो है ना वो ले लिया, बेसन जिसको बोलते हैं। तो अभी जो है ना चलो हम लोग पेमेंट पे जाते हैं, और अच्छा खासा सामान ले लिया, बाकी चलते चलते जो दिखेगा वो उठा लूँगी। और अभी जो है ना बस पेमेंट करने वाली थी, कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी थी मैंने। मतलब जब भी घर से निकलते हैं ना ग्रोसरी, थोड़ा सोचने के जाते हैं कि थोड़ा सा सामान लेंगे, और लेते 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 इतना सामान हो जाता है। पूरा टाइम जो है ना हमारा चला गया बाहर निकलने में, फिर पुलिस के उधर गए, फिर ग्रोसरी की, अभी मुर्गी करेंगे और फिर घर जाएंगे, फिर शाम को इफ्तारी की तैयारी करनी है। तो यार पूरा दिन जो है ना इतना बिजी प्लेन चला गया। अभी अभी ऊपर से एक प्लेन दिखा था ना, तो आर्यन बार बार बोल रहा है कि प्लेन प्लेन प्लेन, सब पता है ना, दरवाजा बाहर खिड़की से दिखता है प्लांट, फिर बोलता है ये प्लांट प्लांट, सब कुछ गलती कर दी, सिखा दिया। अभी हर एक लव कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। हाँ अभी भी ढूंढ रहे हो फिर कहाँ से काक देखा होता है बाहर, सब कुछ देखते रहते हो आर्यन, ऑब्जर्व करता रहता है एक नई चीज। तो गाइज वहाँ पे पुलिस ऑफिस में ना दो कश्मीर की लड़कियाँ मिली थी, और कश्मीर की लड़कियाँ ना मुझे देख के इतना खुश हो गई क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर हम लोग हिंदी उर्दू में मिल के बात कर रहे थे, तो बहुत बहुत खुश हुई। ये क्या है, ये हाँ क्या है, तंग कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला जब भी घर की याद है, पाकिस्तान की याद है, हमसे मिलने आ जाया करो। तो वो फॉरेनर्स एरिया था ना, तो सारे फॉरेनर्स ही बैठे हुए थे, नेपाल के, इंडिया के, मैं पाकिस्तान की, तो बस सबका वीज़ा का प्रॉब्लम, वीज़ा का इशू, सब कंफर्मेशन कराने आते थे। लास्ट में जब वीज़ा मिल जाता है तो एंड में उधर जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको फाइनल जो दिखाने के लिए, सब कुछ सही है ऐसे। तो आर्यन को मिलके भी सब बहुत खुश हुए, कितना क्यूट प्यारा प्यारा बच्चा है। क्या हो गया, अंदर आ गया अचानक से, क्या करेगा, तुम्हें देते हैं बीक, चलो घर चलो तुम्हें बीक मिलेगी। और अभी जो है ना सामान ले लिया सारा सामान, घर चले यार, बहुत थकावट हो रही। आर्यन ने इस छोटे से मोबाइल में क्या रेडियो खोल दिया है, हाँ रेडियो खोल दिया है, हाँ क्या क्या करते रहते हो यार, मस्त कर रहा है। अभी देखो बस, देखो 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 क्या करे मम्मा, दादी या दादी से बोलो, दादी बोलो, दादी दादी बोलो, दादी काम, दादी काम, गाना की बोलो, नो गाना, नो गाना, रमजान है ना। मेरी लाइफ ना काफ़ी काफ़ी बिजी हो चुकी है, बस अभी जो है ना घर को देखना, आर्यन को देखना, फिर अपना यूट्यूब करना, अपना पर्सनल काम करना, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मुझे एक साथ हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए ना काफ़ी 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 टाइम देना पड़ता है हर एक चीज़ को, इसलिए मैंने वीडियोज़ करना भी थोड़े कम कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं लाइफ में। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही थी, लेकिन अभी कुछ ऐड हो गई है एक्स्ट्रा, तो अभी जो है ना मुझे ये सारे सामान जो है ना वो सेट करके रखने हैं। और उसके बाद जो है ना आज कुछ सोच रही हूँ क्या पकाऊँ डेली, यार समझ नहीं आता मुझे, मुझे लगता है कुछ लिस्ट बनानी चाहिए कि मैं डेली क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, बहुत ही मतलब गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो कि आज क्या पकाऊँ आज क्या पकाऊँ ऐसे। और अभी जो है ना आर्यन काफ़ी मस्तियाँ कर रहा था ना, मैंने कहा चलो ग्रोसरी डे है ना आज, आर्यन को भी ग्रोसरी में हम लेके आए, आज आर्यन को भी बॉक्स में लेके आए, तो इतना क्यूट लग रहा था। मैंने फिर इधर से ना स्क्रीन कैप्चर भी ले लिया है कि आर्यन का ये मेमोरी एक रख दूंगी कि मम्मा ग्रोसरी करके आती है ना, फिर तुम को किसे तंग करते हो, देखो देखो देखो। तो आर्यन आजकल काफी काफी मस्तियां करता है ना, तो बहुत 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 अच्छा लगता है यार। मैं पूरी तैयारियां कर रही थी, ये सारे ग्रोसरी जो है ना वो लेके आते फिर सेटिंग करते हैं ना। तो आज राणा भाई को आना था गांव से, और हमें खाना बनाना था कुछ स्पेशल, कुछ पुलाव रोस्ट, इमोन बोला कुछ मजेदार बनाते मिलके, तो वही प्रिपरेशन चल रही थी। तो अच्छा से राणा भाई जो है ना जल्दी से आ गया। तो अभी जो है ना राणा भाई क्या क्या सामान ले गया, चलो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ना माँ ने हम लोगों के लिए भेजे हैं ये इलिश फिश जो है ना, पल्ला फिश, वो फ्राई करके उधर की पकड़ी हुई, मतलब अभी क्या ही एक्सप्लेन करूँ, माँ ने फ्रेश फ्रेश जो है ना भेजे हैं गाँव के सामान, गाँव के सारे। और ये एक नारियल है,
जो कि माओ ने हमारे पेड़ है ना नारियल का, उधर से भेजे माँ ने आर्यन के लिए नारियल पानी, इतना हेवी है यार। राणा भाई कैसे लेके आए? और ये एक किस्म का ना साग है जो कि ना माँ ने बोला धो के ड्राई करके फिर खाना, तो ये वाला भी हमारे गांव से आया है। दिखा दूँ कौन सा है, कोचू साग बोलते हैं इसको। इसका पत्ता देखो कितना ह्यूज पत्ता है यार, और कितना मुलायम सॉफ्ट है, मखमल जैसा इतना बड़ा। ये सारे क्यूकम्बर्स भेजे, ये भी हमारे गांव में हमारे पेड़ से हैं, तो ये वाले भी भेजे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, अभी सारे सेट करके रख रहे हैं। तो यार अभी ज़ोरों शोर से जो है ना प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पे सारे मसाले वगैरह निकाल के रख दिए। क्या क्या चाहिए मुझे? कुछ इस तरीके के मसाले चाहिए, अदरक लहसुन कूट दिया है, और यहाँ पर चिकन जो है ना वो उसको फ्राई कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर कुछ मसाले जो है वो दही के साथ मेरीनेट कर दिए हैं अदरक लहसुन के साथ, और यहाँ पर प्याज जो है ना उसको फ्राई कर दिया है। इतने सारे काम है, इजी प्रोसेस नहीं है रोस्ट बनाना। और ये ना प्याज जो था ना ये फ्रोजन था, तो इसलिए ना इस प्याज के पेस्ट को मुझे हल्का सा फ्राई करना है, फिर इसमें बाकी का प्रोसेस करना है। और इसी तेल में ही मैंने चिकन भी फ्राई किया था, तो एक ही तेल दो बार यूज़ हो रहा है यार, मज़ा आ जाएगा, इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा। और जो है ना ईजी रेसिपी नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन चलो आज कुछ बना रहे हैं हेवी सा, तो रोस्ट इसके बाद बनाएंगे, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। देखो दही जो है ना इसमें काफ़ी मसाले डाले हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। ये सब इसके अंदर जाएगा, ये सब इसके अंदर जाएगा, क्या ही बनेगा। तो फाइनल लुक के लिए रेडी रहो यार, पता नहीं यार अच्छा भी बन सकता है ख़राब भी बन सकता है, तो उसका रिव्यू तो बाद में ही लेंगे, सबसे पूछेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं काम कर लूँ। और दही डाल दी, अब क्या करना है कि इसको पूरा ड्राई करना है, ऐसे हिलाते रहना है, पूरा भून लेना है। जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आप आगे का कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जब ये ड्राई हो जाएगा ना इसमें फिर हम चिकन डालेंगे, और फिर इसमें पानी तो नहीं जाएगा, ड्राई ड्राई सा होगा, ये रोस्ट है ना। तो अभी देखो यार इसको अच्छे से पकाना है, बहुत देर तक ये तो अभी हिल भी नहीं रहा, एक बबल भी नहीं आ रहा, अभी तो गर्म भी नहीं हुआ, कब गर्म होगा। ड्राई भून चुका है, तेल अच्छा खासा बाहर निकल आया है, वैसे भी तेल यार काफ़ी गिर गया था इस पतील में, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, आज तेली तेली खाना खाएंगे, आज रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाएंगे ना, तो तेल ज़्यादा ही ठीक है। तो देखो अच्छे से भून गया है ना सारा मसाला, और ऐसे हो गया है पूरा। तो अभी जो है हम लोग इसमें डाल देंगे ये हमारा फ्राई किया हुआ पूरा सा चिकन, ठीक है। ये में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, ये तो नान के साथ काफ़ी मज़ा आएगा यार, पराठे के साथ काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन ये हम आज खाएँगे पुलाव के साथ, वाइट पुलाव के साथ, जो कि वाइट पुलाव भी मुझे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये है रोस्ट पुलाव, और अभी इमोन से रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा इमोन? बहुत टेस्टी हुआ, आवाज़ ही तो नहीं निकल रही तुम्हारी। अरे हाँ यार, और जो है ना माँ की इलीच जो है वो भी खा रहे हो ना, वो भी मज़े की है यार। मेरे इसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, तुम्हें फील नहीं हुआ रोस्ट पे? रोस्ट पे खेबरा वाटर है ना वो ज़्यादा जल गया गलती से, फील नहीं हुआ ना, चलो फिर अच्छा है कवर अप हो गया ये। चलो अभी हम खाते हैं, और कौन सी मूवी चला रहे थे, ये क्या चला रहे हो, क्या दिखा रहे हो? तो गाइज अभी हम ना एक मूवी देख रहे हैं, ये नेटफ्लिक्स पे है, ट्रोल नाम से। अगर आप लोगों को कुछ एडवेंचरस मूवी या फिर फैंटेसी टाइप मूवी पसंद है तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, अच्छी मूवी थी। और इसी के साथ ही आज के ब्लॉग जो है वो भी एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, खुदा हाफिज़, बाय बाय।요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 진행형과